अच्छा, एक बहुत बड़ी रवायत है कदीम यूनान से लेके बरेख तक, ड्रामे ने एक्टिविज्म किया, क्या क्या हिला के रख दिया स्टीरियोटाइप्स को, लेकिन हमारा ड्रामा अभी भी तलाक, दूसरी औरत, सास बहू, अफसोस नहीं होता? होता है, लेकिन दिस इज़ अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे माशरे में और क्या होता है, यही होता रहता सारा दिन। ऑल दो मुझे लगता है कि एक पैरल है, ऐसा भी एक सेक्ट है सोसाइटी में जो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ और कर रहा है इसके अलावा, उनको स्पेस नहीं दी जाती, और उनको स्पेस ना देने का तो मुझे लगता है इट्स ऑल टुगेदर एन एजेंडा जिसको फॉलो किया जाता है कि कहीं हम उन लोगों को जगह ना दे दें, ये वही कि कहीं औरतें औरत मार्च ना हाँ कर लें, तो वो एक डर बहुत है, इनसिक्योरिटी बहुत शदीद है। किस बात की, क्या डर है? अपने वैल्यूज से बहुत चिपके हुए और वैल्यूज़ को इवॉल्व नहीं होने दे रहे। दुनिया भर में रवायत जो होती है आपकी, तहजीब जो होती है, वो स्टेगनेंट तो नहीं होती ना, मुंजमद फ्रोजन नहीं होती, इवॉल्व होती है विद टाइम्स, होने दें, बदलने दें, इसमें इतना डरने की क्या बात है? डरते बहुत हैं इस बात से, क्योंकि बहुत एक वैल्यू सिस्टम जो सेट किया है जिन लोगों ने, उनको अपने पावर शिफ्ट होने का भी बहुत खतरा है, तो इट्स गेट्स वेरी पॉलिटिकल व्हेन इट कम्स टू इट। और बीइंग अ राइटर, बीइंग एक्टर्स, बीइंग इन्फ्लुएंशियल पीपल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? देखिए, करनी चाहिए, और अगर नहीं कर रहे, बहुत मज़े से लोग कह देते हैं, अभी कहीं मैं थी कुछ दिन पहले, जहाँ उन्होंने कहा कि आप दिमाग खाली करके आया करें कमर्शियल चीज़ देखने और पैसे वसूल किया करें आपने। अब हम वहाँ नहीं हैं बहैसियत माशरा कि हम इस किस्म की चीप एंटरटेनमेंट को अफोर्ड कर सकें, हमें तो हर लम्हे बहुत कदम फूंक फूंक के उठाना है जो हालात हैं, जो हालात हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, लिखने वाले से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर्स पे। मैं इस चीज़ पे यकीन रखती हूँ कि आप पैसा बनाइए, कमर्शियल चीज़ बनाइए, आप रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की तरफ जाइए जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। ज़िंदगी तमाशा भी तो बैन हो गई है। यस, कोई नहीं निकला, किसी ने स्टेटस, किसी ने कोई बात स्टेटस से बढ़ के बात भी की जाए, प्रैक्टिकली एटलीस्ट आप पूछें तो सही, इकट्ठे तो हो जाएं, एक साथ तो हो जाएं और कहें कि हम ये नहीं होने देंगे। वेयर इज दैट स्ट्रेंथ? वो यूनिटी नज़र नहीं आती, सब डर के खामोश हो गए। चले, सरमद को तो कहीं छुपने की जरूरत है, उसको तो हम उसे कह रहे हैं तू छुपा रहा है। exactly. मैंने तो उसको यही कहा कि क्या तुम्हारी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई नहीं निकल रहा, खैर यू आर मोर इम्पॉर्टेंट, उससे भी आगे अब चलना चाहिए। चलें जी, उसने तो जैसे सब कुछ दे दिया आपको ना, उसने कहा आइए प्रीव्यू कर लें, बहुत गलत है, जिन लोगों को प्रीव्यू करवाना है वो एक अलग डिबेट है कि कितना गलत। चलो भाई आओ कर लो, देख लें आपके कहीं लग रहा है आप हर्ट हो रहे हैं, आपके सेंटिमेंट्स, आपके आइडियोलॉजी, अगर आपको लग रहा है तो वो फिल्म मेकर है, वो जवाब दे है, वो बताता है, ठीक है, वो भी नहीं करना, प्रीव्यू रुका हुआ है, इट्स नाइदर हेयर नॉर देयर। अब आगे क्या बड़े रिवर्सिबल है क्या, उसके साथ जो आपने चीज़ें अटैच कर दी हैं बग़ैर किसी चीज़ के, जो कि है भी नहीं, जो फेक है, उसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है कि उसने ये किया है, वो रिवर्सिबल है कि नहीं है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। तो एक तो ये, उसमें भी आपको किसी कोई नहीं निकला, मतलब कहीं इकट्ठे नहीं है किसी एक फोरम पे। मैंने जब बात करने की कोशिश की तो मेरी एक आवाज़ अकेली थी, मुझे लगता था कोई बोल ही नहीं रहा, मेरे भाई लोग वो इधर उधर चले जाते हैं, डर जाते हैं, आई डोंट नो व्हाट। कहीं डिबेट हो रही थी तो मुझे एक बहुत प्रोड्यूसर, एक्टर, फिल्म एक्टर, यंग बच्चा है, उसने मुझे कहा आप क्यों चाहती हैं कि हर वक्त औरत परफेक्ट ही पेंट हो, देखे ना एक हीरो की भी तो जर्नी होती है, वो बुरे से अच्छा होता है, तो एक औरत अगर उन्होंने इम्परफेक्ट दिखा दी तो क्या हो गया? मैंने कहा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है कि इम्परफेक्ट औरत दो टके की नहीं होती। आप क्यों नहीं ये बात समझ रहे? इम्परफेक्ट किस लिहाज से? मर्द के लिहाज से। तो ये तो बहुत डीप रूटेड है अनफॉर्चुनेटली, इफ़त ये तो कहीं हमारे डीएनएज में है। अब आपको भी पता होगा, हम लोगों को भी वक्त लगा इस कंडीशनिंग से निकलने, जब हम बड़ी हो रही थी ऑफकोर्स हमारे अंदर बगावत थी, लेकिन कितनी कंडीशनिंग थी, बहुत बहुत, हर बात सोचते थे अम्मी क्या कहेंगी और अब्बा क्या कहेंगे, रेपुटेशन ना खराब है, मोहल्ले में लोग क्या कहेंगे, कॉलेज में लोग क्या कहेंगे, ऐसी लड़की वैसी लड़की सुनते रहते थे हम, तो बड़े कंडीशन्ड थे हम लोग। हमें वक्त लगा है कि कोई बात नहीं, अगर हम भी ये कह सकते हैं किसी मर्द से कि एक गिलास जरा पानी पिला दो हमें, हाँ या मेरी तबीयत ठीक नहीं, खाना, हमें वक्त लगा है ये करने में, लेकिन हम चले निकले, तो बहुत से नहीं निकलना चाहते। So Begul, you are known for writing different. That's why you're my favorite. मेरी ज़िंदगी का अगर best play है, मैंने हमेशा कहा है वो पहचान है।
कमाल. That was best because of you also. नहीं, of course, yes. Because of the script and the director and the whole team. तलखियाँ ये डरसी जाती है सिला, डरसी जाती है सिला तो आपका सुपर डुपर हिट भी हुआ, उसके बावजूद आप क्यों कम लिख रही हैं टेलीविजन के लिए? ये तो नहीं है कि मैं क्यों कम लिखूँ, मैं इतना ही लिख सकती हूँ. एक बात तो ये है कि कितना लिख सकते हैं आप साल में मैक्सिमम, मतलब आपने 26 एपिसोड्स लिखने, इट्स अबाउट 500 प्लस पेजेस, इट्स नॉट अ, यू नो, इट्स नॉट अ जोक. तो आपको अगर हर लफ्ज पे सोच समझ के लिखना है या रिस्पॉन्सिबल होके लिखना है तो वक्त लगता है. मैं इतनी तेज़ शायद नहीं लिख पाती. फिर मैं जो चीज़ लिखती हूँ उसकी मार बहुत खाई हुई है ना मैंने, तो एक अब बन गया है मेरे ऊपर एक के जी ये तो बोल्ड लिखती है एक bold? तो पहले हाँ दो बातें उन्होंने मुझसे कही कि आप बोल्ड लिखती हैं और आप तो बड़ा एडल्ट स्टफ़ लिखती हैं. तो मैंने कहा आई एम एन एडल्ट, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, मैं आप कुछ क्या लिखूँ और बच्चों की कहानी तो नहीं लिखूँगी, तो एडल्ट ही हूँ. मुझे ये लगता है पहचान का आपने जिक्र किया और डरसी जाती है सिला के पॉपुलर होने में उस स्क्रीन का भी ताल्लुक है जिसको वो प्ले को वो स्क्रीन मिली. मिली, ठीक है. उससे पहले मुझे कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट किया गया, मेरी स्क्रिप्ट को रिजेक्ट किया गया उन सब तमाम स्क्रीन्स पे से. तकलीफ़ होती है मुझे ये सोच के कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि पहचान वॉज़ अ बिगर सीरियल इन टर्म्स ऑफ द सब्जेक्ट इट वॉज टॉकिंग अबाउट. वो उस थप्पड़ की बात कर रहा था जिसकी ना आवाज़ आती है ना निशान नज़र आता है, ठीक है. उसके लिए शायद एक बहुत सेंसिटिव ऑडियंस भी चाहिए और बहुत सेंसिटिव स्क्रीन भी चाहिए थी. दे ट्राइड दे बेस्ट टू किल इट, कि उसको एडवर्टाइज़ ना कर दें, पता ना चल जाए. लोगों को पता नहीं चलता था कि ऐसी कोई चीज़ आ रही है कि नहीं, लोग बस देखते थे, उन्हें नज़र आता था, वो रुक जाते थे कि देयर इज समथिंग ऑन द स्क्रीन. आई गॉट बेस्ट रिव्यूज़ ऑफ माई लाइफ फॉर दैट परफॉर्मेंस. एग्जैक्टली, एंड इट वॉज़ योर वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मेंसेज आई एम श्योर. तो उसमें जो बात हो रही थी बेसिकली वो औरत को जो गुड एंड बैड में डिवाइड किया जाता है, उन दो औरतों को मिलाने की बात हो रही थी. आपको बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले होंगे, मुझे भी बहुत मिले दुनिया भर से, मगर मुझे गालियाँ भी बहुत पड़ी दुनिया भर से. मुझे ये कहा गया कि हाउ कैन यू मेक अ मिस्ट्रेस लुक अ गुड वुमन, यू नो. सो ये अब मैं बहुत चौंकी इस माइंडसेट के ऊपर. तो मैंने कहा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट. अब ये रैंडम मैसेजेस हैं जो मुझे आते हैं. उन्होंने कहा कि देयर वाज अ सेकंड वुमन इन्वॉल्व हु वाज हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड मैन और आप उसे अच्छा इंसान दिखा रही थी. अब कहाँ से चीज़ को ठीक करना शुरू किया जाए? तो मैंने कहा कि वो भी एक आम इंसान है, इसमें अच्छाइयाँ भी हैं बुराइयाँ भी हैं, तो आप मर्द की बात क्यों नहीं करती? हु वॉज हैविंग एन अफेयर एंड वॉज गेटिंग मैरिड टू अनदर वुमन, उसकी बात तो आपने जिक्र ही नहीं किया आपने. हाँ, तो ये उनको नहीं ख्याल आता इस बात का या इस तरफ वो जाना नहीं चाहती क्योंकि बुराई सिर्फ औरत में उनको नज़र आती है. तो पहचान मुझे लगता है कि फिर मुझे एक लड़की का कैनेडा से मैसेज आया रैंडम, आई डोंट नो हर, एंड शी सेड इट चेंज्ड माई लाइफ. आई केम आउट ऑफ एन अब्यूसिव मैरिज एंड आई हैव चेंज्ड, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ. तो कहीं ना कहीं वो जो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, ये सोच कर हो फिर ज़रा दिल डरता है. डर सी जाती है सिला के बाद द मैसेजेस आई गॉट, आई थॉट एवरी अदर मैन एंड वुमन इन आवर सोसाइटी हैज़ बीन अब्यूज्ड मोर देन वंस. 97% ऑफ द वुमेन, मुझे तो अब 100% लगता है, मुझे भी 100% लगता है, इवन बॉयज, इवन मेन, दोनों की बात कर रही हूं मैं, बोथ. या हर किसी ने कहा कि ये हमारी कहानी है. मुझे ऐसी लड़कियों के मैसेजेस आए जो टाइप नहीं कर सकता थी, जिन्होंने हाथ से पेपर्स पे लिखे स्क्रीनशॉट्स भेजे मुझे अपनी कहानियों के. आई गॉट सो पैरानॉइड. तो फिर मैंने सोचा कि ओ माय गॉड, ये जिम्मेदारी का एहसास है कि आपको एक विक्टिम देख रहा है, तब आपको तो गूज़बम्प्स हो जाते हैं मुझे सोच हो के. हाँ, तो फिर मुझे जब ये आए मैसेजेस तो आई जस्ट गॉट वेरी वेरी पैरानॉइड, अपसेट ऑल्सो. मुझे लगा हर किसी के साथ ही हुआ, ये सबकी कहानी है, मेरी, आपकी, इसकी, उसकी, सब. मुझे तो आज तक कोई औरत नहीं मिली है जो जिंदगी में कम से कम एक दफा मोलेस्ट ना हो. बिल्कुल. और हम फिजिकल मोलेस्टेशन की बात करते हैं, इमोशनल मोलेस्टेशन का तो हम पहुंचे ही नहीं, जिक्र ही नहीं है, जिक्र ही नहीं है. फाइनेंशियल आप अब्यूज होते हैं फाइनेंशियली. पहचान की मेन लाइन यही थी कि नान नफका के नाम पर आपकी हाउसवाइफ ब्लैकमेल होती है. होती है. उसने जब खड़े होके कहा कि ये रहे आपके पैसे, आई कैन अर्न फॉर माई सेल्फ, देन फिर मेरी मर्जी ना,
देन फिर माई टर्म्स, अगर यही बात है तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि आप तो पता नहीं, मेरा तो दिन खतरे में पड़ गया था। इंतशार फैला रही हैं, फैला रही औरतें खराब कर, बाहर का एजेंडा लेके आ रही हैं। एग्जैक्टली, सो माय मदर हरसेल्फ डजंट वांट टू टॉक अबाउट पहचान, शी इज़ वेरी अनकंफर्टेबल अबाउट पहचान, यू नो शी इज़ वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट, डर सी जाती है सिला और तलखियाँ, शी सेड वॉज अ वेरी क्लासी थिंग पहचान, शी जस्ट गेट्स वेरी अनकंफर्टेबल अंडर हर स्किन, आई नो वाई, यू नो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो बीगल अपब्रिंगिंग तो माँ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, डिफरेंट कैसे निकल आई? मेरे बाप का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मुझ पर, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है मेरी नानी का बहुत है। माई मदर इज़ अ वेरी सबमिसिव डोसाइल स्केर्ड पर्सन, सो आई एम टोटली 360 degree अपोजिट टू हर, आई एम एब्सोल्युटली लाइक माई फादर। मुझे हमेशा ये लगता है, मैंने सिला में दिखाने की कोशिश भी की थी कि वेन यू हैव अ सपोर्टिव फादर बिहाइंड अ डॉटर, तो फिर उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, फिर तो वो चल पड़ती है कहीं। तो मुझे आई न्यू आई हैड, यू नो, बट स्टिल अनफॉर्चुनेट भी है ये कि हमें अभी तक वो सपोर्ट चाहिए। हाँ, ये भी नहीं, मतलब एक एज में आके तो आपको ना भी चाहिए हो तो कोई बात हाँ, नहीं है, लेकिन अब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उस वक्त जब मैं बड़ी हो रही थी और वो वक्त था, वो इतना बुरा नहीं था इफ्फत, वैसे अब ज्यादा वाकई नहीं बुरा, वो इतना बुरा नहीं, हमने बहुत मस्त जिंदगी जी है, आजाद सी, आई नेवर फेल्ट केज्ड, I feel it now. Yeah, me too. I think twice before I speak. I never used to do that. So, ab hum kisi aur tarah condition ho rahe hain, hame badalne ki koshish ki ja rahi hai. Pehle to aisa nahi tha. Matlab hum bahut mast the. Bade mazey mein the, hame kabhi bhi nahi laga. What do you think? What went wrong? I think ek to log jab shuru karte hain baat, ye mujhe lagta hai ek to throughout regression aaya hai. Sirf एक चीज़ में नहीं, एजुकेशन में देख लें, हेल्थ में देख लें, पॉपुलेशन में देख लें, किसी इंस्टीट्यूशन में देख लें आप, इतना रिग्रेशन है और इतना उस चीज़ को सहारा मिला उस रिग्रेशन को, और वो लोग ऊपर आ गए जिन लोगों को ना समझ थी उन सब कामों की, ना वो उनकी जगह थी, ना उनका इंटेलेक्ट था, हर चीज़ इतनी लुक्रेटिव हो गई, इतनी पैसे बनने शुरू हो गए, हमारी इंडस्ट्री को देख लें, कब पैसे बनते थे इसमें से, इट वॉज नॉट फॉर मनी, इट वॉज फॉर पैशन। सिनेमा भी आज मैं उनसे ये कहती हूँ कि वेयर इज़ योर पैशन टू मेक फिल्म, योर लव टू फॉर सिनेमा इज़ नॉट देयर, पैसे बनेंगे कि नहीं, किसी प्रोड्यूसर के साथ बैठ जाएँ, किसी के साथ बैठ जाएँ, पैसे कितने बनेंगे, नहीं ये लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, जब आपका फाइनेंसर आपको एडवर्टाइज़ करने वाला ये बता रहा हो कि पैसे लेकर आना आप, तो आप क्या खाक लिखेंगे, आप क्या चीज़ लिखेंगे आप, और यूटोपिया में रहने की भी आदत है कि सब अच्छा है, सब फन करो जी, एंटरटेनमेंट करो जी, एंटरटेनमेंट इट्स द स्टेक ऑफ व्हाट, वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, अभी भी नहीं आंखें खुलनी, अभी भी हमें यह है कि पैसा बना लें, बस पैसा बनाने, पैसा फॉर व्हाट। आपने एक चैनल को हेड भी किया एज अ कॉन्टेंट हेड, एज कॉन्टेंट हेड, विच इज आई मीन कि उससे आपसे बेहतर इंसान कोई मुझे जहन में नहीं आता कि एक चैनल पे बीगल अगर कंटेंट हेड है तो, और चीज़ें टर्न आउट भी बहुत अच्छी हुई, क्या वजह हुई, क्यों छोड़ दिया? देखें, एक तो ये था कि मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि राइटिंग इज़ माय लाइफ लाइन, सो आई हैव टू राइट, राइट टू सर्वाइव, टू ब्रीथ एक्चुअली। अगर मैं नहीं लिख पाती हूँ तो बड़ी घबराहट, बड़ी गड़बड़ हो जाती है और मुझे लगता है कि मैं अपना काम नहीं कर रही जो मुझे करना चाहिए। तो जब मैं कंटेंट को सुपरवाइज़ कर रही थी, सुबह से लेकर शाम तक स्क्रिप्ट पे काम करती थी, लोगों के साथ बैठती थी, जो एक कांस्टेंट टसल थी मेरी वो ये थी कि शायद जो आपने बात कही कि मुझे किसी हद तक वो काम आता था, दैट वेंट अगेंस्ट मी, अगर मुझे काम ना आता तो आई कुड हैव सर्वाइव्ड। मैंने फिर डिसाइड किया आफ्टर अ ईयर कि दैट्स इट, जैसे अब मैं इस बंद ऑफिस में बैठ के मज़ीद एक और 2-3 साल यहाँ ज़ाया नहीं कर सकती, इसे बेहतर है कि मैं निकल के कुछ लिख लूँ जो मैं लिखना चाहती हूँ। सो मुझे अपना वो जो एक फ्रीडम था वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रही थी, और अगर मुझे काम ना आता होता और मैं कुछ ना लिख पाती होती तो मैं होती अभी तक, उन लोगों को साइडलाइन किया जाता है, डोंट हैवंट यू फेस्ड इट, ओह या, उन लोगों को बिल्कुल कोनिया मारे, हेट मी, ऑफ कोर्स दे डू हेट यू बिकॉज़ दे नो दैट यू हैव समथिंग इन यू, राइट, एंड दे डोंट, सो दैट इनसिक्योरिटी इस आप उससे खामखा जंग करते रहते हैं, लोगों की इनसिक्योरिटी से आप जंग करते करते कहते हैं आप किस गेम में पड़ गए यार,
फॉर मी एज अ पर्सन ऑल्सो आई प्रिफर टू स्टे आउट ऑफ द गेम दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ आई प्रिफर टू बी आउट ऑफ इट वो मुझे लगता है बड़ी डिस्ट्रैक्ट कर देती है आपको अपने काम से हट के चक्कर में पड़ जाते हैं लेकिन एक पोजिशन पे बैठ के फिर आप बहुत कुछ चेंज भी तो कर सकते हो क्या आपको करने दिया जाता था काफ़ी हद तक करने दिया जाता था ऐसा नहीं है कि नहीं करने दिया जाता था करने दिया जाता था वो चाहते नहीं थे कि मैं मुझे ये बात मालूम हो जाए कि मुझे करने दिया जा रहा है सो आई सेड ऑल राइट आई विल मेक दैट कॉम्प्रोमाइज यू आर द बॉस आई अंडरस्टैंड बहुत जगह पर ये मुश्किलात भी होती थी जहाँ पर उनको लगता था कि नहीं करो मुझे लगता है कि मैं बीच में से चालाकी से वो काम अपना निकाल लेती थी बहुत पैमरा के मैंने नोटिसेस का जवाब दिया है उस चैनल पर बैठ के क्योंकि ऐसी चीज़ें चली गई थी जो कि पैमरा मुझे खट से मुझे मैं आता था ना देखिए मैंने आई डोंट नो हाउ आई वी कैन से एवरीथिंग वी कैन से एवरीथिंग यू कैन से इट ऑल ओके सो लाइक आई गॉट अ स्टोरी रिटन बाय अ वेरी यंग राइटर ऑन लेस्बियंस राइट ओके एंड इट वेंट ऑन एयर एंजेलिन डायरेक्टेड इट बड़ी हमने इसको सेंसिटिव यस एंड देन वी ओ माय गॉड उसके बाद पहले मेरा ख्याल था कि ये नहीं पता अच्छा प्रोड्यूसर्स जो बेचारे थे उनको नहीं पता चला कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट हम खामोश रहे अच्छा नहीं पता जाने दो